हेलो एवरीवन, सो इंट्रो बाद में देंगे, इट्स अ सरप्राइज ट्रिक। सो सामने हमारी ट्रेन आ चुकी है और अभी हम भाग रहे हैं। लेट्स कैच द ट्रेन। पूरी इंडियन रेलवे टिकट नहीं लिया है क्योंकि ट्रेन आ चुकी है स्टेशन पे और झटपट से हम ट्रेन पकड़ के अपने होम टाउन को कहते हैं अलविदा और बिना प्रेस किए कपड़े 5 मिनट में तैयार हो गए। हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन। हमने आपको दिखाया बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस है तो आपको क्लियर आवाज़ आएगी नहीं। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो बस या ट्रेन। ऑब्वियसली ट्रेन, ट्रेन से वैसे मैं लेट ट्रेन मिलने वाली है, बट जब तक मैं सोच रहा हूँ शायद ले आता है। लेट्स गो। तो भी आते आते मेरे को ना ऑप्शन मिला था कि गाड़ी से भी चले जाते हैं, तो मना कर दिया यार। 13 लोग गया उसने, छोड़ दिए। अगर वो 13 लोग उसके पास होते आई विल बी द 14th जो साथ में चले जाता, बट दैट्स ओके। पूरा घूम फिर के परेशान होकर हमने ली टिकट, फिर हम करते अपने ट्रेन का वेट 2 घंटे, फिर हमें ट्रेन मिली। इंडियन रेलवे फर्स्ट टाइम मुझे अपना परफेक्ट फिट मिल गया। वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, नाइस। कुछ इस प्रकार की कर्कश ध्वनि हमें सुनने को मिलती है, फिर हम तैयार होकर उतरते हैं गोरे स्टेशन पे जो कि 12 किलोमीटर दूर है जैन माता से। फिर हमने पकड़ी गाड़ी खुजली। गाड़ी वाड़ी से उतर के और यहाँ पे पार्किंग इन्होंने बना रखी है टेम्प्ररी और हम जा रहे हैं अभी मंदिर की तरफ, तो दिखाते हैं आपको कैसा है मंदिर। प्रसाद चेक, माथे का पट्टा चेक। सबके लिए अपना अपना एक पीस प्लेस होता है, तो मेरे लिए तो यही है सबसे ज़्यादा। और ऐसा आपको पता चल ही गया होगा माता के मंदिर में आए हुए हैं और यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा भी है नहीं। जय माता दी। तो यहाँ पे बर्तनों से लेके कपड़ों तक और सबसे फेमस यहाँ पे लट, तलवार, चाकू सब यहाँ मिल जाता है आपको। और कुछ टैटू बनवा लो गाइस, मैंने भी यहीं से टैटू बनवाया था। किडिंग, यहाँ से नहीं बनवाया भाई, बिल्कुल मत बनवाना, ऐसे कैंसर हो जाता है। तो मैं सबको अगर बता दूं कि जब यहाँ पहले मेला लगता था, यही जो मेला भी लगा हुआ है, ये 9 दिन का नवरात्र का मेला होता है, तो मैं लगातार 2 साल यहाँ पे आया हूँ, 2-3 साल। तो मैंने यहाँ पे यहीं स्टे करते थे, यहीं खाना खाते थे, यहीं पर ड्यूटी देते थे। मैं दिखाऊंगा आपको वो कौन सी जगह थी, कहाँ हम रुकते थे। और ये मार्केट था जहाँ से हम होते थे खाना खाने के लिए जाते थे। यहाँ पे नंबर ऑफ दुकान है, यहाँ पे प्रसाद भी मिल जाएगा और बाकी चुनरी भी मिल जाएगी, लड्डू भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। यहाँ पे जूते सबमिट करो, दर्शन करके आओ, जूते वापस ले लो, ये अभी तक पॉसिबल है जब तक भीड़ नहीं बढ़ जाती। कहाँ से घुसो भाई और इधर घूमते 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 पता नहीं हम कहाँ निकलेंगे कहाँ नहीं निकलेंगे, बट लेट्स गो। तो ये लोग यहाँ खड़े डंडा लेके, हम सेम टू सेम स्काउटिंग की ड्रेस में यहाँ खड़े हुआ करते थे और फिर हम लोगों को जब फ़ोन अगर कोई चला रहा होता तो हम उनको फ़ोन पे मारते थे, उनका फ़ोन गिरा देते थे। और आज मैं खुद फ़ोन लेके वीडियो बना रहा था, आई कैन फील कि हम लोगों के साथ कितना गलत करते थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा पुलिस जाब्ता भी होता है। सी, हम विसल भी रखते थे तो हमारे पास विसल भी हुआ करते थे। और मैंने ना यहाँ की एक नई चीज़ सीखी थी कि उसे ना सीटी विसल नहीं बोलते थे, पपैया बोलते थे, पपैया। यहाँ पे आके इकट्ठा होना सबको, जैसे इस भीड़ में जाके खड़ा होने वाला हूँ, जैसे ही खड़ा होने वाला हूँ मैं एक बहुत शानदार नारा लगाने वाला हूँ। जो लाइन खड़ी है ना पीछे तक, इन्हें हमारे साथ होना था बट मेरे वाली लाइन खाली थी, किस्मत अच्छी थी तो हम पहले पहले निकल रहे हैं, पूरी लाइन खाली है। कुछ एकदम शान से हम पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। बोला जीड़ माता की। मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ते हम। Thank you.
दर्शन डन, वीडियो अंदर बनानी नहीं थी, लेट्स गो आउटसाइड। अपने से आने के बाद में यहाँ पे बोर वाले माता है जिनकी हिस्ट्री आपको पढ़नी चाहिए गाइस, कि क्या स्टोरी क्या नहीं है, दिखाता हूँ आपको। फिलहाल फाइटिंग रास्ते बदल दिए इन्होंने, पहले सब कुछ बहुत इजी था, कुछ भी इजी नहीं है यहाँ पर। और हम यहाँ पर दर्शन करके आ गए बाहर, अब हम जाएंगे ऊपर जहाँ पे हर सौ पुराना धूनी है, पुरानी धूनी है। लेट्स शो यू। यहाँ पे सब कुछ ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, पहले चीज़ें अलग थी अब चीज़ें अलग हैं। पूरा मंदिर है ऊपर से दिखाई दे रहा होगा आपको, और हम जहाँ जा रहे हैं उसे पुराना धूनी, पुरानी धूनी कहते हैं। तो जब हम पहले यहाँ पे आए थे तो हम के ऊपर जो छत है हम वहाँ सोया करते थे, और आई थिंक यहाँ पे एक जगह है अभी दिख नहीं रही है, और वहाँ पे तो यहाँ पे कुछ हमारा स्टे हुआ करता था। ये मंदिर है जहाँ पुजारी हमारे दोस्त हो गया था, और कुछ कई टाइम हम यहाँ भी सोया करते थे। यहाँ पे रोप वे का काम चल रहा है, कुछ एक टाइम बाद में यहाँ पे रोप वे शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको हमारी तरह पैदल मरना नहीं पड़ेगा। मतलब मरना तो क्या ही है, बट हाँ यस यू डोंट हैव टू लाइक गो फॉर दीज स्टेयर्स। भाई चौक, अरे यहाँ से व्यू बहुत शानदार आ रहा है, मैं आपको ऊपर बिल्कुल ऊपर जाके दिखाता हूँ कैसा व्यू है। हाँ मैं उस दिन ये वीडियो नहीं बना पाया था, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बना के दिखाना तो था ही, तो मैं वापस आ गया। भाई ऊपर काजल शिखरा से कुछ इस तरीके का हमें व्यू देखने को मिलता है, और ये जो आपको सामने रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता पूरा हर्ष पर्वत तक जाता है, जहाँ पे आपको विंड मिल दिख रही है, तो सामने हमें रेवासा लेक देखने के लिए मिलती है। ये पूरा फ्रंट साइड व्यू है, सामने रेवासा लेक पे जाते नमक निकाला जाता है, नीचे गांव है। जो back to home, thank you guys for watching this vlog till this point, until the next video.